हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं बनाने वाली एक सिंपल और इजी सी रेसिपी, लौकी और चने की दाल, जो कि झटपट बन जाती है, और ये मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ली है आधी लौकी, चने की दाल, एक टमाटर और दो हरी मिर्च। इसको मैंने काट के धो के कुकर में डाल लिया है। अब उसमें मैंने डाली है हल्दी। अब इसके हल्दी के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सब्जी मसाला, सबके घर में अवेलेबल होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे, जिससे कि उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। सब्जी मसाला खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और सब्जी मसाला डालो तो दूसरे मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। साथ ही मैंने उसमें डाल दिया नमक, हींग, और अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 गिलास पानी, और इसको मैं पका लूँगी, अच्छे से पका लूँगी गैस पे। तो कुकर बंद कर दिया है, कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसकी हम लेंगे 5 सीटी, क्योंकि चने की दाल को मैंने भिगोया नहीं था, इसलिए 5 सीटी लेंगे। अब यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। मैंने लिया है गेहूँ का आटा, और उसमें मैंने रागी का आटा मिक्स किया है, क्योंकि बच्चे ऐसे रागी खा नहीं पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि आटे के अंदर ही थोड़ा सा रागी का आटा मिक्स कर देती हूँ, और उसका अच्छे से डो बना लेती हूँ, और फिर उसकी रोटियाँ बनाती हूँ। तो न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, और मन में ये भी नहीं रहता है कि बच्चों को उसको कैसे खिलाएं। तो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, एकदम सॉफ्ट आटा लगाती हूँ मैं। सबका रोटी का आटा लगाने का तरीका अलग होता है। कोई हार्ड कड़क आटे की रोटी बनाता है, कोई बिल्कुल नरम आटा गूंथता है। तो मैं ना ज़्यादा ऐसा हार्ड आटा गूंथती हूँ, ना ज़्यादा बिल्कुल नरम सॉफ्ट आटा होता है। तो ये रोटी हमारी बन के अब रेडी हो चुकी है। बच्चों के लिए बनाया है पराठा, और मेरे लिए बनाई है मैंने रोटी। अब इसे ढककर रख देंगे हम लोग। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी दाल और लौकी बनके भी तैयार हो चुकी है। लौकी भी पक चुकी है और दाल भी पक चुकी है। आप बोलो कि दाल अलग ही अलग दिख रही है, तो वो बिल्कुल दबा के देखिएगा, बिल्कुल पक चुकी है। बिल्कुल ऐसी घुटने वाली नहीं बनाई है मैंने, ये ऐसी थोड़ी सी अच्छी लगती है। अब हम लगाएंगे तड़के की तैयारी। तो मैंने एक कटोरी में लिया है थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पर कढ़ाई में लिया है तेल। अब तेल में हम डालेंगे जीरा, और हींग तो हमने उसी में डाल दी थी, तो ज़रूरत नहीं रहेगी डालने के लिए। अभी मसालों को क्या ना, मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा पेस्ट बना के उसके बाद तेल में डालूँगी, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मिर्ची ऐसे उड़ती भी नहीं, और मसाला भी बहुत अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ हमने डाल दिया है तेल में जीरा, अभी जो पेस्ट बनाया था सबसे मसालों का, उसे हमने डाल दिया तेल में, और अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे। कब तक पकाएंगे? जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता है। तेल छोड़ दिया मसाले ने, मतलब मसाला अच्छे से पक चुका है। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम हमारे लौकी चने की दाल को डाल देंगे, और इसे अच्छे से 1-2 उबाल आने तक पका लेंगे। ये देखिए, सब्जी में उबाल आ चुका है। खाने में बताऊँ ना, सच में सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, झटपट बन जाती है। तो ये खाना हमारा रेडी है। आई होप वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।